वॉइस से पैसे वॉइस में चेंज करने के रूल जो हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो रूल होता है कि हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, द फर्स्ट रूल, रूल नंबर वन। वन तो सबसे पहले जो मैं बता दूं वो ये है कि इफ ए सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब, दैट सेंटेंस कैन हैव एन ऑब्जेक्ट विथ इट, ओके, ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विथ इट, देन दैट सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ मेन वर्ब लगा हुआ है तो तभी जाकर उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पहला रूल हमारा यही हुआ, लिखते हैं इफ एन एक्टिव वॉइस which has a transitive verb, which has a transitive verb and object with it, comma, then it can be changed into passive voice. तो यह मैं बता रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उस मेन वर्ब के साथ, और वो जो मेन वर्ब है उस सेंटेंस का वो ट्रांजिटिव वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इफ एन एक्टिव वॉइस विच हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विद इट, देन इट कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ट्रांजिटिव वर्ब तभी होगा जब उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा। अब हम उसको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि हाउ टू चेक वेदर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट। हियर द वर्ब इज प्ले, वर्ब V1 फॉर्म में है। यहाँ पर वर्ब जो है वो V1 फॉर्म में है और यहाँ क्रिकेट जो है ना ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पर इस पर सवाल पूछेंगे व्हाट लगा करके हु और या हुम लगा के सवाल पूछेंगे, इन दोनों में से कोई एक का जवाब अगर मिल जाए, अगर दोनों में से किसी एक का जवाब मिल जाए तो ये जो मेन वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर जवाब नहीं मिले तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। एक बात और, अगर यहाँ पर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इन दोनों में से किसी का जवाब नहीं मिलेगा। ये भी समझना है कि वही एक मेन वर्ब ट्रांजिटिव हो सकता है जब उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होगा, और वही मेन वर्ब जब उसके साथ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा तो इनट्रांजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले हम पूछते हैं कि आई प्ले क्रिकेट है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्या खेलता हूँ, खेलने पर सवाल पूछेंगे व्हाट लगा करके, मैं क्या खेलता हूँ, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, तो जवाब में आता है क्रिकेट। जवाब मिल गया इसका, तो क्रिकेट जो है इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अगर इसके साथ अगला सवाल पूछते हैं हुम, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो हुम डू आई प्ले, मैं किन्हें खेलता हूँ, तो मैं किन्हें खेलता हूँ उसका जवाब क्रिकेट नहीं हो सकता है। तो ऐसी दशा में ये जो है ना इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन दोनों में से किसी एक का जवाब आना जरूरी है। दोनों में से किसी एक का जवाब हो गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और अगर दोनों में से किसी एक का भी जवाब नहीं होता तो इनट्रांजिटिव होगा होता। आमतौर से जब मेन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पैक के बीच में कोई प्रीपोजिशन लगा होता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी वो इनट्रांजिटिव मेन वर्ब होता है आमतौर से। अब एक सेंटेंस इनट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं गया बाजार गया, वेंट। अब यहाँ पर वेंट जो है V2 फॉर्म में है और वर्ब है मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मेन वर्ब है,
तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होने का जो मामला है वो सब मेन वर्ब के साथ है। ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब भी ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं, उसको नहीं लेंगे, उसको उस ग्रुप में नहीं लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर हम इस पर सवाल पूछते हैं, व्हाट लगा करके और हुम लगा कर सवाल पूछते हैं, दोनों में किसी एक का जवाब मिल जाएगा। हुम लगा कर सवाल पूछते हैं, तो अगर हम वेंट पर सवाल पूछते हैं कि मैं गया मार्केट, मैं क्या गया मार्केट, जवाब नहीं मिला। मैं किन्हें गया मार्केट, नहीं जवाब मिला। तो दोनों ही स्थिति में इन दोनों में से किसी का जवाब नहीं मिला, नहीं मिला, इन दोनों में से किसी का जवाब नहीं मिला। ऐसी दशा में ये जो है ये इनट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव और यहाँ जो ये है ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब। अब अगर आप ये कहेंगे कि अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो क्या ये ट्रांजिटिव रह जाएगा? तो रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, तब ये ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। अब हम सवाल चेक कर लेते हैं, व्हाट और हुम लगा के सवाल पूछ लेते। आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, तो जवाब नहीं मिल रहा है। हुम डू आई प्ले, मैं किन्हें खेलता हूँ, जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये साफ साफ जरूरी है कि किसी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव मेन वर्ब रहे, ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब रहे, हाँ ट्रांजिटिव वर्ब रहे और ऑब्जेक्ट लगा हो उसके साथ। ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा। तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पर, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पर। इवन इफ इफ एन एक्टिव वॉइस विच हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब एंड हैज ऑब्जेक्ट विद इट, देन इट कैन बी चेंज इन टू पैसिव वॉइस। तो पहला रूल हमने बताया यहाँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव मेन वर्ब हो तो उसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगा होगा, जब ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट भी लगा होगा, और ऑब्जेक्ट जब लगा होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होगा तो भी ट्रांजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तभी जाकर वो मेन वर्ब जो है ट्रांजिटिव होगा, और जब मेन वर्ब ट्रांजिटिव हुआ तब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें ट्रांजिटिव मेन वर्ब नहीं है तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते, एक्टिव से एक्टिव में ही रखना है। पहला रूल समझ गए होंगे, अगर किसी सेंटेंस का मेन वर्ब अगर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव अगर है तो उसके साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए व्हाट और हुम लगा के सवाल पूछेंगे, दोनों में से किसी एक का जवाब मिल जाए या दोनों का जवाब मिल जाए, ऐसी दशा में वो मेन वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, और तब उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पहला रूल समझ गए होंगे, नमस्कार। रूल नंबर टू, द लास्ट फॉर्म, द लास्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस and the second form of future tense will remain active voice. और फ्यूचर टेंस का जो लास्ट फॉर्म होता है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों और उसके अतिरिक्त फ्यूचर का जो सेकंड वाला फॉर्म है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसका फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहते हैं। ये जो तीनों, तीन वो और ये जो चौथा एक और बना, तो फ्यूचर के दो हो गए, पास्ट के लास्ट वाला जो है एक वो, और प्रेजेंट का लास्ट वाला, ये चारों मिलाकर के जो है ये चारों का चारों एक्टिव वॉइस से एक्टिव में ही रहेंगे, पैसिव में नहीं चेंज होंगे, ठीक है। रूल नंबर टू कंप्लीटेड। रूल नंबर थ्री,
द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस changes into object. Object and the object of and object of an object of active voice changes into subject in passive voice. ये जो हुआ वो ऐसे हुआ जिसको हम जैसे कहते हैं कि we eat a mango. ये ऐसे हुआ, तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो ऐसे कह सकते हैं कि a mango is eaten by us. ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन करके आ गया जो सब्जेक्ट था. एक बेसिकली ये जो है ये यहाँ गया सब्जेक्ट बन करके, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन करके गया, और ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन करके आ गया. ये तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन करके, ठीक है. और उसके बाद जो चीज़ें लगी हैं वो टेंस के रूल के हिसाब से लगेगा, वो अगला रूल में मैं बताने जा रहा हूँ. तो तीसरा रूल ये है कि जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में जाने के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में आने के बाद सब्जेक्ट हो जाता है. तो एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना, ये तीसरा रूल है. Rule number 4. In passive voice, helping verb is used. Helping verb is used according to. Tense. And its form. Tense और tense के form के हिसाब से हाँ helping verb का प्रयोग होता है. Passive voice में जो helping verb का प्रयोग होता है वो हाँ tense और tense के form के हिसाब से helping verb का प्रयोग करता है. For example, simple present tense का जो passive simple present tense. सिविल प्रेजेंट जो पैसिव फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वो है इज, एम, आर, ये होगा, ठीक है. और सिंपल पास्ट में जो प्रयोग होगा वो होगा वाज, ऑब्लिक, वेयर, ये पैसिव वर्ब में इस्तेमाल होगा. मैं पैसिव की बात कर रहा हूँ, एक्टिव में तो इसका डू या डज लगेगा, यहाँ डिड लगेगा, लेकिन पैसिव में ये लगेगा. और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल, बी या शैल बी का प्रयोग होगा. एक्टिव में तो विल या शैल रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में विल बी या शैल बी का प्रयोग हो जाता है, ठीक है. इसी तरह से फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस Present continuous tense का
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज या आर, आर प्लस बी इन, बी इन का प्रयोग होता है, इज के साथ इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग होगा। ये उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वेयर प्लस बी इन, वाज या वेयर प्लस बी इन, वाज ऑब्लिक वेयर और बीइंग। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का होना नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया फ्यूचर का जो सेकंड वाला फॉर्म है उसका पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होना। तो अब अगर आगे आता है अब फ्यूचर का जो तीसरा वाला आता है वो फिर होता है। तो अभी हम बात कर लें प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन या हैव बीन, ये इसका प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। और पास्ट परफेक्ट होगा जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हैड बीन हैड बीन। और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो विल हैड बीन या शैल इतना ही है क्योंकि प्रेजेंट ऐसा जो लास्ट फॉर्म होगा उसका एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होगा। फ्यूचर का जो लास्ट फॉर्म होगा उसका भी एक्टिव से पैसिव में नहीं होगा। पास्ट का जो लास्ट फॉर्म है वो भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। तो रूल 4 कंप्लीट हो गया। रूल 5 इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस मेन वर्ब दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस मेन वर्ब ऑलवेज कम्स इन V3 form. In passive voice, main verb always comes in V3. Passive voice main verb हमेशा V3 form में आएगा। Rule number 6. In passive voice, is used before an object, before an object यानी मेन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सॉरी बाय का प्रयोग होता है। ये जो बाय है तो बाय का प्रयोग होता है बिफोर ऑब्जेक्ट बाय इज यूज्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देंगे तो यहाँ पर पैसिव में शी इज टॉट बाय मी, ऐसा एग्जांपल देंगे। रूल नंबर 7, इफ एन एक्टिव वॉइस हैज अ मॉडल वर्ब, इफ एन एक्टिव वॉइस हैज अ मॉडल वर्ब, Modal verb, then B will be used after modal verb, after modal verb.
सेकंड में होगा मोटर वर्ब और प्लस है प्लस बीन प्लस प्लस बी थ्री प्रयोग होगा। दो तरह की बनावट है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल वर्ब है तो दो तरह की बनावट होगी। एक तो ये होगी कि बी लगेगा मॉडल वर्ब के बाद, जैसे कैन है तो कैन बी अथवा बी थ्री लग जाएगा पैसिव वॉइस में, शुड है तो शुड बी प्लस बी थ्री, विल है तो विल बी और शैल है तो शैल बी प्लस बी थ्री, इसी तरह से मे है तो मे बी प्लस बी थ्री, मस्ट है तो मस्ट बी प्लस बी थ्री। एक तो बनावट ये रहेगा कि मॉडल वर्ब के बाद बी और बी के बाद बी थ्री, मॉडल वर्ब के सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस बी थ्री हो जाएगा। दूसरा बनावट है किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा हुआ है, तो अब क्या होगा मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब तो वहां पर आप पैसिव में चेंज करने के लिए बीन लगाना पड़ेगा, हैव के बाद बीन लगाना पड़ेगा तब भी थ्री दे सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी थ्री, इस तरह की बनावट होगी। और जो जैसे पाई लगना है तो पाई लगेगा, ऑब्जेक्ट लगना है वैसे लगेगा। ये जो है ये सातवा रूल हो गया। आठवां रूल में जो है इफ एन एक्टिव वॉइस हैज एन इंपेरेटिव सेंटेंस देन the following rule will be used, the following verb rule will be used। अब यहाँ ए में देखते हैं, अगर सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे होता है ना कि जैसे Go there, जैसे bring the chair। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है मेन वर्ब से शुरू हुआ है, ठीक है, एक सेंटेंस होता है कि मेन वर्ब से शुरू होता है bring the chair, दूसरा सेंटेंस है don't beat the animal, डोंट बी द एनिमल, अगर ऐसा सेंटेंस अगर ऐसा रहता है, या कोई सेंटेंस रहता है प्लीज हेल्प मी, तो इन तीनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस रहता है तो बनावट कैसे कैसे चेंज करना है पैसिव वॉइस का, तो एक जो बनावट है उसमें ये होगा कि लेट प्लस, अगर इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो लेट प्लस बी, जो मेन वर्ब से शुरू हुआ है वो, या फिर जो डोंट से शुरू हुआ हो, उन दोनों के लिए ए जो रूल जो स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ ये स्ट्रक्चर ज़्यादा अप्लीकेबल होगा। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्लस बी थ्री, ये बी थ्री ये इसके स्ट्रक्चर ये बनावट होगी। जैसे कि यहाँ पे एक चेयर है, ये सेंटेंस है ब्रिंग द चेयर, उसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, लेट द चेयर, मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बन करके आया वो सब्जेक्ट बन करके आया, ऑब्जेक्टिव केस बेसिकली है वो यहाँ आया, लेट द चेयर और बी लगेगा उसके बाद बी, हाँ बी बी ब्राउट, लेट द चेयर बी ब्राउट, लेट द चेयर बी, ये पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे स्ट्रक्चर पर बनाना चाहेंगे तो वो भी बन सकता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस बी थ्री, अगर हम इस स्ट्रक्चर पर लेंगे उसको तो द चेयर शुड बी ब्राउट, अगर इस स्ट्रक्चर पर लेंगे तो द चेयर शुड बी ब्राउट,
द चेयर शुड बी ब्राउट, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसके कुछ खास जगह है वहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे तीसरा जो रूल आता है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो है यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू या एडवाइज्ड टू, एडवाइज्ड टू या ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब जैसे ये सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, तो इसको चेंज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये जो है ये रिक्वेस्ट या ऑर्डर का सेंस होगा या एडवाइस का सेंस होगा, तो इस ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज या काइंडली रहे तो इसी रूल का इस्तेमाल होगा। अगर ये सेंटेंस रिक्वेस्ट होगा, प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल किया रहेगा, तो वहाँ प्लीज या काइंडली को हटा करके उसके बदले में रिक्वेस्टेड का सेंस आएगा, क्योंकि वो सेंस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब किसी सेंटेंस में डोंट या कुछ ऐसा सेंटेंस रहेगा तो वो भी उसके लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली जो मेन वर्ड से शुरू होने वाला जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है या डोंट से शुरू होने वाला जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें यहाँ लेट का प्रयोग करते हैं। अगर नॉट रहता तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस और प्लस नॉट तब भी लगता है, तो उस दशा में डोंट वाले सेंस में यहाँ पर नॉट तब बी का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इसको, आप इसको समझेंगे अच्छा से। इसके बाद जो आता है वो एक मिसलेनियस रूल आता है। ये जो आठ प्रकार के जो रूल बताए हैं, ये आठों रूल सबसे खास हैं, इसके बाद कुछ मिसलेनियस आता है, जरा मिसलेनियस को भी देख लें। जैसे मिसलेनियस सेंटेंसेस, वैसे बहुत मिसलेनियस नहीं है ये, इसमें जो काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं तो पहला प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसके अलग अलग डिनोटर मैं पढ़ाता हूँ, एक्शन डिनोटर, पोजीशन डिनोटर, पोजेशन डिनोटर, कंपल्सन डिनोटर, टाइम डिनोटर, इंटेंशन डिनोटर, तो उस तरह की जो चीजें हैं डिनोटर वाले जो है वो इसमें आते हैं। जैसे एक सेंटेंस में दे रहा हूं यहाँ, ही हैज टू कंप्लीट हिज टास्क। आप इसमें ढूंढेंगे कि ट्रांसिटिव मेरे वर्ब है कि नहीं, तो आपको मिल जाएगा ही हैज टू कंप्लीट। हाँ, तो अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही, इसका ऑब्जेक्ट बना कराएंगे तो His task has to be, has के बाद to be completed by him. His task has to be completed by him. इस टाइप के सेंटेंस जाएंगे, टू था तो टू बी में ले आए, ठीक है ना, has to या have to अगर है तो उसको पैसिव में। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, यू आर टू टेक रेस्ट, यू आर टू टेक रेस्ट। अब यहाँ पर टू टेक रेस्ट है तो रेस्ट इज टू बी टेकन बाय यू। इस टाइप के जो सेंटेंसेज है ये सब मिसलेनियस सेंटेंसेज में आएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप रूल सब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।